मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे संधि, है ना। संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर देखिए आओ करें पांच, है ना। दिए गए शब्दों में स्वर संधि के भेद पहचान कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कार्यालय, है ना, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, कार्य धन आदि, ठीक है। अब यहाँ पर तोड़ना नहीं है, इसको क्या करना, सिर्फ हमको भेद बताना है। तो कार्यालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि यहाँ पर आलय ए, आ धन बड़ा आ, बराबर मिलके क्या बन गया, ये बड़ा आ। इसलिए ये कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। कल हमने बताया थे कि दीर्घ संधि में कोई भी छोटा छोटा मिलके क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, बड़ा बड़ा मिलके छोटा हो जाता, बड़ा हो जाता है। चाहे छोटा मिलाओ या बड़ा मिलाओ, या बड़ा मिलाओ या छोटा मिलाओ, कुल मिला के वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसलिए कार्यालय में कौन सी संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि। सेकंड जो है वधूर भी, यानी इसमें भी दीर्घ स्वर संधि होगी। उसके बाद लिखा है महोदय, महोदय में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि, है ना। राकेश में गुण स्वर संधि, यद्यपि में यदि धनापि यण स्वर संधि, महौषधि प्रति स्वर संधि, प्रत्युष में यण स्वर संधि, पितृनुमति यण स्वर संधि, भावुक में अयादि स्वर संधि, गायक में अयादि स्वर संधि, है ना। अब उसके बाद आओ करे छह है, इसमें बोला है, इसमें संधि को तोड़ के बताया है और उसके बाद उसको पूरा करने बोला है ना। तो विद्यार्थी मिला के क्या बन जाएगा, विद्यार्थी, है ना। महाधन उत्सव महोत्सव, जल धन और जलौद, अधिधन एता अधिकता, नैधन अक नायक, धातु धन उष्मा धातु उष्मा, बड़ों की मात्रा लग जाएगी इसमें, है ना। देवधन ऋषि देवर्षि, अनुधन ऐसा अन्वेषण, भौधन अन भवन, है ना। तो इस प्रकार से ये आपको बनाना था। अब उसके बाद देखिए मेरी बारी एक और दो, इसमें भी दिया गया था। तो लघु धन उत्तर, इसमें भी संधि विच्छेद करने बोला, लघु धन उत्तर लघुत्तर, सत्य धन अर्थी सत्यार्थी, तथा धन एव तथ्यो, है ना। देवधन आलय क्या होगा, देवालय, भोधन इश इस भविष्य, गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, रमा धन ईश रमेश, है ना। सदधन एव सदैव, महोदय महाधन उदय महोदय, है ना। पौधन अक पावक, पाधन अक नहीं लिखेंगे, पौधन अक, है ना, क्योंकि ये संधि के नियम के अनुसार चलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर मेरी बारी दो है, दिए गए भेद से संबंधित शब्द छाटकर सही स्थान पर लिखिए। दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से शब्द आएंगे, रजनी स्वर गिरीश, गुण स्वर संधि में नवोड़ा और परमेश्वर, प्रति स्वर संधि में महोस्थी और सदैव, यण स्वर संधि में अत्याचार और उपयोग, अयादि स्वर संधि में पवन धन चयन, है ना, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, बुक में ही भरना है। अब उसके बाद देखिए आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, वो है वाक्य, है ना। तो वाक्य क्या होता है, ये आपने पहले कभी पढ़े हैं क्या, है ना, पढ़े भी होंगे और नहीं भी पढ़ सकते, है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि जैसे हमने यहाँ पर लिखे क, क क्या है, वर्ण, कैसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अगर हमने आ लिख दिए तो ये भी वर्ण है, पर कैसा वर्ण है, ये स्वर वर्ण, ठीक है, ये स्वर है और ये क्या है, व्यंजन, है ना। तो स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन कितने होते हैं, 33, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वर्णों को जोड़ते हैं, मान लो हमने क धन म धन ल जोड़ दी, तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया, ठीक है। ये कमल क्या बन गया, शब्द बन गया, वर्णों को जोड़ने से एक शब्द बना, और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। शब्दों का समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, परंतु कोई किसी भी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता, है ना। जिससे सार्थक अर्थ निकलता है उसे ही वाक्य कहते हैं। तो वाक्य कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, सार्थक और निरर्थक, यानी कि जिससे सही अर्थ निकलता है वो सार्थक, और जिससे सही अर्थ नहीं निकलता वह निरर्थक वाक्य कहलाता है, है ना। जैसे कि हमने बोल दिया कि कमल खिलता है तालाब में, ठीक है, तालाब में, तो ये वाक्य कैसा है, इसमें क्रम गलत लिखा हुआ है ना। अगर हम इसी को ये लिख दिए कि तालाब में कमल खिलता है, ठीक है, तालाब में कमल खिलता है, तो ये कैसा वाक्य होगा, एक सार्थक वाक्य हो गया, है ना। और ये कैसा हो गया,
ये भी वाक्य है परंतु कैसा है निरर्थक, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मतलब इसका क्रम गलत है। तो सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को जिससे सही अर्थ निकलता है क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, है ना। शब्दों का ऐसा समूह जिसका संपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो, पूरा अर्थ क्या हो, स्पष्ट हो, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग है, दो अंग है, है ना। वाक्य की परिभाषा हो गई, अब इसके बाद देखिए वाक्य के अंग, है ना। वाक्य के अंग को दो भागों में विभाजित किया गया है, सबसे पहले उद्देश्य, ठीक है, और सेकेंड में है विधेय, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, है ना। तो जैसे हमने एक सेंटेंस लिखे आपके सामने, एक हमने लिखे वाक्य लिखे कि मोहित कविता सुनता सुनाता है, है ना। हमने लिखे एक सेंटेंस, मोहित कविता सुनाता है, ठीक है। तो यहां पर जो मोहित है वो क्या कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा, और कविता सुनाना क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। तो आप लोग अब निकाल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा आपको और बोलेगा उसमें उद्देश्य और विधेय को छाटकर अलग कीजिए, तो हम कर सकते हैं। उद्देश्य में देखिए मोहित उद्देश्य हो गया और कविता सुनाता है विधेय हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को। सबसे पहले तो वाक्य की परिभाषा की, सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। वाक्य को दो भागों में विभाजित किया गया है, वाक्य के दो अंग हैं उद्देश्य और विधेय, है ना। तो उद्देश्य क्या हुआ, मोहित कविता सुनाता है, मोहित क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, और कविता सुनाना क्या होगा, विधेय होगा, है ना। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद, ठीक है, वाक्य के भेद, भेद या प्रकार, भेद या प्रकार। तो वाक्य के भेद या प्रकार, तो इसको सबसे पहले इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर, है ना। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। तो जो रचना के आधार पर है उसे तीन भाग में, देखिए रचना में कितने शब्द हैं, एक वर्ण है, तीन वर्ण है, है ना। तो समझ जाओ इसको, याद रखना है कि अपने को उल्टा गलत नहीं करना है कि हमने लिख दिया अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में, आठ भागों में, ठीक है, और रचना के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया। तो हमको उल्टा नहीं करना है, कभी हम अगर कंफ्यूज हो गए तो हम अर्थ के आधार पर तीन लिख सकते हैं और रचना के आधार पर हम आठ लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है कि रचना के आधार पर वाक्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है, साधारण वाक्य, है ना, उसके बाद संयुक्त वाक्य और उसके बाद मिश्र वाक्य, ठीक है, तीन वाक्य हो गए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इसको आठ भागों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें भी सबसे पहले साधारण वाक्य रहेगा, है ना, उसके बाद प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, है ना, उसके बाद निषेधवाचक, उसके बाद फिर हो जाएगा इसमें संदेहवाचक, उसके बाद इच्छावाचक। अब क्या बचा, देखिए सिक्स हो गए, संकेतवाचक, एक संकेतवाचक और लास्ट एट वाला होगा विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो ये हो गए तीन और ये हो गए आठ। तो ये जो है, ये आठ दिखने में बहुत सारी संख्या दिख रही है लेकिन ये एकदम सरल है और ये थोड़ा सा कठिन है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाता है, है ना। इसमें बहुत डिटेल दिया है, इसको हम शॉर्टकट में आपको समझाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें किसी से कोई प्रश्न किया जाता है, जैसे आप कहाँ रहते हैं और रहते हैं के बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा आधा नंबर यहाँ पर कट जाएगा, है ना। उसके बाद यदि साधारण वाक्य, तो यहाँ जो साधारण वाक्य होता है वहां ये भी साधारण वाक्य कहलाता है, जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है ना। आज्ञावाचक में हम जब किसी को आज्ञा
कि हमने बोले एक गिलास पानी लेकर आ, है ना। उसके बाद हमने निषेध वाचक में क्या बताया जाता है कि जहां पर कोई चीज नहीं का बोध किया जाता है तो वो निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, है ना, तो वो निषेध वाचक होता है। संदेह वाचक, शायद आज वर्षा हो, है ना, हो भी सकती और नहीं भी, तो वहां संदेह, इच्छा, ईश्वर आपकी कामना पूरी करे, है ना, तो वो क्या क्या कहलाएगा, इच्छा वाचक वाक्य कहलाएगा। संकेत वाचक, मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है या मेरा घर नदी के किनारे है, तो वो क्या कहलाएगा, संकेत वाचक वाक्य। और विस्मय अधिबोधक में हर्ष, शोक, आश्चर्य, सब भावना रहती है, तो जैसे ओ कितना सुहावना मौसम है, तो ये दोनों चीज में हमको, दोनों वाक्य में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्नवाचक में अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और अब हमने बोले कि ओ कितना सुहाना मौसम, तो ओ के बाद विस्मय बोधक चिन्ह अगर हम नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये विस्मय बोधक का चिन्ह है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, है ना, तो ये दोनों में हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आठ आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार। तो साधारण वाक्य, यहाँ पर जो हमने पढ़े थे कि एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, तो ये दोनों में वही रहेगा। उसके बाद देखिए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जहाँ जब दो साधारण वाक्य को किसी संयोजित शब्द की सहायता से जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि हमने बोले मैं खाना खाता हूँ और स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर जो और शब्द आया है वो क्या है, संयोजक शब्द है, और जिसने दो साधारण वाक्य को जोड़ने का काम किया तो वो क्या कहलाया, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब मिश्र वाक्य, तो जब पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है तो वो क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे बच्चे, हमने मतलब इसका उदाहरण क्या होगा कि बच्चे इसलिए पार्क में जा रहे हैं ताकि क्रिकेट खेल सके, जैसे कि इसलिए, ताकि, ये सब इसकी पहचान होती है और वो पहचान अगर हम नोट कर लेंगे तो हमको वो समझना है। जैसे ही, जैसे कि मिश्र वाक्य की क्या पहचान है, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तारे टिमटिमाने लगे, है ना, सूर्य के अस्त होते ही आकाश में तारे टिमटिमाने लगे, है ना, तो जैसे वैसे ये सब पहचान है इसकी, इसलिए ताकि, ये मिश्र वाक्य की पहचान है। तो आप लोगों को वाक्य जो है समझ में आ गया होगा, है ना, तो आपको क्या करना है, आओ करे सात आठ नौ जितने भी आपसे बनते हैं, है ना, वो आपको करना है। और मेरी बारी में भी आपको तीन चार पांच आपको ये तीन चार पांच और सात आठ नौ ये क्वेश्चन जो है आपसे जितने बनते हैं वो करना है, और अगर नहीं बनेंगे तो हम आपको बता देंगे, है ना। तो आज के लिए इतना काफी, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए। धन्यवाद बच्चों।